हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी तथा साथ में उसके अपन ने 5 से 7 क्वेश्चन भी, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आज की क्लास में अपन कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चन लेते हैं जो इन फ्यूचर इन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पुटअप करूँगा आपके लिए, आप वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद में आप उसको करने की कोशिश करना। आपसे होता है तो अच्छी बात है, वरना आप उसको सीख लोगे अच्छे वैसे। ठीक है, तो अपन जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, कल की लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया था। इस प्रकार से वो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, और उसमें पूछा गया था कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना था। तो अगर जिन स्टूडेंट ने कर लिया है अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ है वो देख सकते हैं। ये देखो क्या दे रखा है उन्होंने, दे रखा है मान लो क्वेश्चन में ए रेशियो बी इक्वल टू 1/2 रेशियो 3/8। आपको क्या करना है, इन नीचे वाले जो अंश और हर होती है एक भिन्न के अंदर, ऊपर वाला पार्ट अंश बोला जाता है और नीचे वाला हर बोला जाता है, तो आपको इस हर को ख़त्म करना है। क्या करना है, हर को ख़त्म करना है। तो इस वाले की मल्टीप्लाई इधर कर दो, इस वाले की मल्टीप्लाई इधर कर दो, या फिर इनको इनका एलसीएम लो, 8 और 2 का ऐसा एलसीएम लो कि ये दोनों से डिवाइड हो जाए। तो मैंने ले लिया, अगर दोनों साइड देखो रेशियो का मतलब ये होता है, जैसे आपके पास कोई रिजल्ट है 2:3, अगर इन दोनों साइड अगर आप बराबर से गुणा कर देते हो, भाग कर देते हो, जोड़ कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 दुनी कितना हो गया, 4, ये कितना हो गया, 3 दुनी 6, यानी कि 4:6 बन गया। अब इसको दोबारा से काटोगे तो ये 2:3 ही रहने वाला है। तो 1/2 और 3/4 है, जैसे 1/2 और क्या दे रखा है, 3:8 ये है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम, 8 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों से डिवाइड होती है, इसको इससे काट लो 4 टाइम, इसको इससे काट लो 1 टाइम, तो क्या आ गया, 4:3। तो यहाँ से A:B रिजल्ट आ गया आपके पास 3:4। फिर पढ़ते हैं अपन बी और सी वाला रिजल्ट, क्या दे रखा है, 1/3 और दे रखा है 5/9। तो 9 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो आप, ये कितनी बार कट जाएगा, 3 टाइम, और ये 1 टाइम, तो 3:5। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बी और सी का रेशियो क्या है, 3:5। फिर अपन पढ़ते हैं C:D, जो क्या दे रखा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5/6:3/4। तो देखो इन दोनों में 12 एक ऐसा सम है जो इन दोनों से डिवाइड होता है, कितने टाइम, 2 टाइम, तो ये कितना बन गया, 10, कितने टाइम, 3 टाइम, तो ये कितना बन गया, 9। ठीक है, तो मैंने लिखा C:D कितना आया, 10:9। अब अपन को फाइंड आउट करना है A:B:C:D का रिजल्ट। तो क्या करेंगे, पहले A:B 3:4, फिर B:C 3:5, फिर C:D 10:9, इतना रिजल्ट आ जाएगा। ये लगा लो रेशियो, ठीक है, यहाँ पे भी लगा लिया। अब देखो ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोला था कि जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है उससे पहले वाला डिजिट ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, और यहाँ पे भी 3 आएगा। अब इसमें कुछ ऐसा देख लो जो सब में कॉमन हो, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 दिया 9, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 90, आगे चलो 4 दिया 12, 120, 5 चौक 20, 200, फिर आगे चलो 5 चौक 20 और 9 दुनी 18, 180। 0 सब में कॉमन है ना, 0 सब में कॉमन है। तो ये रिजल्ट आ गया अपना ABCD का, क्या रिजल्ट आ गया, 1:18 आ गया। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 3 से कट रहा है, ये तीनों 2 से कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा है। तो आपसे जो पूछा था ABCD का रिजल्ट क्या होगा, वो ABCD का रिजल्ट क्या आने वाला है, 9:12:20:18
इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, ओनली फॉर जो रिजल्ट दे रखा है उसको अच्छे वैस से ओनली फॉर 2 डिजिट के अंदर लेके आना है, उसके बाद में ये मेथड यूज करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस बार देखो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, वही क्वेश्चन है। ए रेशियो बी दे रखा है 2/9 / 1/3 कॉमा बी रेशियो सी दे रखा है 2/7 / 5/14 और डी अपॉन रेशियो सी दे रखा है, सी रेशियो डी नहीं है, क्या है, डी रेशियो सी है, वो कितना दे रखा है 7/10 / 3/5। तो पहले सबसे पहले इसको चेंज कर लो, आप किस में चेंज कर लो, सी रेशियो डी बना लो। तो देखो डी का रिजल्ट क्या था, ये सी का रिजल्ट क्या था, ये, तो ये रिजल्ट आ गया 3/5 / 7/10। बस इतना ही करना था। अब देखो मैं ले रहा हूँ सबसे पहले ए रेशियो बी, कितना दे रखा है 2/9 / 1/3। क्या एलसीएम ले, 9 एक ऐसा रिजल्ट है जो दोनों से मल्टीपल हो जाएगा, काट लो भाई, ये एक टाइम कटेगा, ये 3 टाइम, तो ए और बी का जो रिजल्ट आएगा ये 2/3 आएगा, ये आप अच्छे से ध्यान रखना, कितना आएगा 2/3 आएगा। फिर मैं रिजल्ट ले रहा हूँ सी और डी का निकाले, तो इनमें क्या है 3/5 / 7/10, इन दोनों का मल्टीपल ले लो, 10 एक ऐसा सम है जो ये दोनों इसको काट देते हैं, ये कितने टाइम, 2 टाइम, ये 1 टाइम, तो कितना आ गया 6/7, कितना आ गया 6/7 आ गया। फिर आगे चलें तो बी और सी, यानी कि 2/7 / 5/ कितना है 14, किससे काट लो आप, 14 एक ऐसा सम है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम, 2 टाइम और 1 टाइम, तो 2×4/5, ये रिजल्ट आपके पास आ गया, ये रिजल्ट है आपका बी और सी का, और ये रिजल्ट है आपका C/D का। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट अप करनी है, 2/3, फिर 4/5, फिर 6/7, कैलकुलेट कर लो, बस ये रिजल्ट आएगा आपका डायरेक्टली, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 6, यहाँ से 6, कैलकुलेट करना है। देखो 6×4=24, 24×2 = 48, ठीक है, ये कितना हो गया 24 और 96, ये कितना हो गया 15×6=90, ये कितना हो गया 105, और किसी से कटते हैं तो काट लो इसको, किसी से कट रहा है क्या, 3 से कट जाएगा शायद, 3×1=3, 3×6=18, 3×3=9 और 3×2=6, 3 से कटोगे तो 30 बार, 3 से कटोगे तो 35 बार, और किसी से कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है, तो आपका रिजल्ट ये आ गया A/B/C/D, क्या निकल के आया है A/B/C/D, क्या रिजल्ट निकल के आया 16/32 / 30/35, और अगर किसी डिजिट से जितना आपसे इजी से इजी कटे उतना आप काट लेना इसको, तो क्या रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया। अगर इसमें आपसे ये पूछ लेते डायरेक्ट कि A/D क्या होने वाला है, ठीक है, तो क्या करते यहाँ से लिख लेते 2/3, फिर क्या लेने वाले थे आप 4/5, फिर क्या लेते 6/7, क्या लेने वाले थे 6/7, तो इनको काट देते, ये कितने टाइम, 2 टाइम कट जाता, ये कितना आ गया 35, ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया 416। अगर आपको डायरेक्ट A/D निकालना हो तो आप ये यूज करना, आपको ये टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं है कि पहले A/B/C/D का रिजल्ट निकालो, फिर इसमें देखो कि A का रिजल्ट क्या है, फिर इसमें देखो D का रिजल्ट क्या है, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये कब करना है, जब आपको पूरा रिजल्ट पूछे, अगर डायरेक्ट आपसे A/D पूछा जाए तो पहले वाले जो सम है उनकी मल्टीप्लाई कर दो और जो एंड वाले सम है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, A/D बन जाएगा। कैसे, देखो A/D कैसे बनता है, जैसे A/B, फिर क्या है B/C, फिर C/ क्या है D है,
अगर अपन इसको ऐसे लिखें a अपॉन b, फिर यहाँ से b अपॉन c और c अपॉन d, इधर क्या किया अपन ने मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो सबकी, तो देखो b से b कैंसिल, c से c, क्या बचा a अपॉन d, और a अपॉन d को क्या लिख सकते हैं a रेशियो d, ऐसे रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आप इसको कर पाओगे अच्छे वैसे। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखो फाइंड आउट करेंगे अपना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 2:5 हो तो 5x+3y=5x-3y का रिजल्ट क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, आपको ये रिजल्ट निकालना है किस किस के बीच में, 5x+3y अपॉन किसका 5x-3y, रेशियो को मैंने बट्टे में लिख दिया है। क्या करना है यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू देखें तो कितनी है 2/5, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है 5, बस ये इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 2 है प्लस में y की वैल्यू कितनी है 5, तो जहाँ पे x है वहाँ x की वैल्यू रखो और जहाँ पे y है वहाँ पे y की वैल्यू रखो, तो 5×2-3×5 ये रिजल्ट आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो भाई, 5×10+5×15/5×10-15 कितना आ गया, ऊपर 25 आ गया, नीचे कितना आ गया माइनस का 5 आ गया, काट लो तो माइनस का 5 क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन और आप कर लेना, ठीक है। अक्स की वैल्यू, जो अक्स का रिजल्ट दे रखा है वो अक्स की वैल्यू होने वाली है और जो वाई का रिजल्ट दे रखा है वो वाई की वैल्यू रखने होने वाली है, इसमें आप वैल्यू पुटअप कर देना और आंसर निकाल देना। इजी है क्वेश्चन, हार्ड वाला क्वेश्चन है नहीं। पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब फाइंड आउट करेंगे अपन, देखो क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि ए का 20% बराबर है बी के 30% के बराबर और सी का कितना है 1/6 है। अगर ये तीनों वैल्यू क्या है इक्वल है तो अपन को फाइंड आउट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 2a=3b=4c और आपसे पूछ लिया जाए कि a रेशियो b रेशियो c क्या होने वाला है, तो आपको एक ही बात काम में लेनी है क्या। अगर आपको इसका रिजल्ट निकालना है तो इसको भूल जाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो b और c की, तो 3×4 कितना हो गया 12। अगर b का रिजल्ट निकालना है तो b को क्रॉस कर दो, छुपा लो, इन दोनों का मल्टीपल कर दो, कितना आ गया 8। अगर आपको c का रिजल्ट निकालना है तो c को क्लोज कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या रिजल्ट आ जाएगा 6। और काट लो इसको, ये 6 टाइम, ये 4 टाइम और ये 3 टाइम, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c हो जाएगा। आपको डायरेक्टली याद रखना है, अगर ऐसी प्रोसेस आ जाए तो आपको क्या करना है। दूसरी बात, अगर आपके पास ऐसा रिजल्ट आ जाए, कैसा रिजल्ट कि 1/2a=, फिर 1/3 मान लो b=1/4c आ जाए, अब क्या करोगे, अब मेथड यूज करोगे कैसे। इन ये भी कर सकते थे अपन, क्या k मान के कर सकते थे इन, तो इनके बारे में भी क्या करना है k ही मानना है। तो जो रिजल्ट नीचे है उसको अपोजिट कर दो, ए का रिजल्ट क्या आ जाएगा, जैसे ये रिजल्ट क्या है a/2, फिर ये रिजल्ट क्या है b/3 और ये रिजल्ट क्या है आपके पास c/4। अगर आपको इससे a रेशियो b रेशियो c बनाना है तो क्या कर दो, डायरेक्ट इनके रिजल्ट ही लिख दो आप, क्या 2:3:4, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे, दो मेथड है, दोनों को याद रखना, इजी है। अगर आपको ऐसे दे रखे हो तो डायरेक्ट ऐसे ए का रिजल्ट निकालना है इन दोनों की मल्टीप्लाई, बी का रिजल्ट निकालना है इन दोनों की मल्टीप्लाई, सी का रिजल्ट निकालना है इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये के मान के भी कर सकते हैं ना, बट आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये डायरेक्ट याद रखना है।
अगर दूसरा ये भिन्न में हो, फ्रैक्शन के अंदर हो, तो डायरेक्ट उनको क्या कर दो, अपोजिट कर दो। क्या कर दो, अपोजिट। इससे क्या समझ में आए, समझ में आया आपके, अगर बराबर से आपको किस में जाना है, अनुपात में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा कैसे लिखा जाता है, उल्टा करना यानी कि अपोजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अंश को हर में ले जाना पड़ेगा, हर को अंश में ले जाना पड़ेगा, ये रिजल्ट होने वाला है। सुनना बात ध्यान से, एक का 20% का मतलब होता है ए इंटू 20/100, काट लो इसको 1/5 बराबर है बी का 30% का, मतलब बी का ये इसको काट लो 3/10 इक्वल टू सी का 1/6। क्या रिजल्ट आया, ए बाई 5 इक्वल टू 3b अपॉन में 10 इक्वल टू सी अपॉन 6। बोला था मैंने अभी, ये रिजल्ट है। अब देखो ये बट्टे वाला फॉर्मेट लगेगा, तो क्या कर दो, उल्टा कर दो। अपन को निकालना है a रेशियो b रेशियो c, तो क्या हो जाएगा 5/1 रेशियो 10/3 रेशियो 6/1। अपोजिट कर दिया है ना, यानी कि 6 का अपोजिट क्या हो गया 1/6 या फिर 6 की पावर -1, इनवर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, ये बात है। जैसे ए है, ए का अपोजिट क्या होने वाला है 1/a। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं आप, a की पावर -1, इनवर्स बोल देते हैं इसको, है ना। ये रिजल्ट आ गया। अब मुझे 3 को ख़त्म करना है, तो 5/1 10/3 और 6/1 है, सबके साथ 3 के मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लो कट गया, ये कितना बन गया 15, ये कितना बन गया 10 और ये कितना बन गया 18। तो जो ABC पूछा है उसका रिजल्ट क्या आ गया, 15:10:18 आ गया। ये क्या होगा आपका, A रेशियो B रेशियो C का आंसर होने वाला है, जो क्या हुआ ये के करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो आप डेफिनेटली आप इस दो को जो ये नोट लगा के लिख लेना अच्छे से, इन दोनों को अपनी नोटबुक में लिख लो। अगर आप ये नोटबुक में लिख लेते हो और डायरेक्ट जब एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठोगे, तो आपको ये फॉर्मेट से इस फॉर्मेट तक आने में टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व आउट कर पाओगे। लेते हैं इसके ही जैसा एक और क्वेश्चन, देखो उसके जैसा ये क्वेश्चन और लेते हैं। उसमें भी ये पूछा गया आपसे कि ए रेशियो बी रेशियो सी का रिजल्ट क्या होने वाला है। क्वेश्चन है आपके लिए कि ए का 30% इक्वल टू बी का 0.25% नहीं है, सॉरी ओनली फॉर इतना ही है, और ये पूछ रहा है इक्वल टू सी का 1/3 अगर क्वेश्चन में गिवन है, तो अपन से फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होने वाला है। तो देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ए का 30% का मतलब 30/100, बी का यानी कि बी का क्या है 0.5 और क्या दे रखा है सी का 1/5। इनको कैलकुलेट कर लो भाई, 3a/10 इक्वल टू क्या है बी, इसके देखो वे मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आएगा 100 आएगा और ये 1/4 बन जाएगा, यानी कि b/4 इक्वल टू c/5। अब मैंने पूछा है, बोला था लास्ट जो आपको दो मेथड बताए थे उसमें से अंश और हर वाला मेथड यूज करना है आपको, यानी कि a रेशियो b रेशियो c में जाने के लिए इनको उल्टा कर दो, 10/3 आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा, 5/1, 3 से सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ये लो सबकी मल्टीप्लाई होगी, क्या रिजल्ट निकल के आया 10:12:15। ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये कब हो गया, जब आपको मेथड पता हो तब भी होएगा, ऐसे नहीं होएगा। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और क्वेश्चंस लेने वाले हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, क्वेश्चन आपके लिए कि ए का 2/3 इक्वल टू बी का 75% इक्वल टू सी का 0.6।
आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी का रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है। इसके जैसा ही क्वेश्चंस क्या है ये आपको किससे करना है, घर से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।